स्कॉर्पियो क्लासिक जो है उसके कलर देख लो, रेड ग्रे नया वाला, बट मैं लेके चलता हूँ आपको फेवरेट ब्लैक कलर के पास में, और बताता हूँ क्या क्या बदलाव जो है स्कॉर्पियो क्लासिक में यहाँ देखने को मिलता है। सबसे बड़ा बदलाव जो है वो एक्चुअली इस हुड के अंदर है। ये नया इंजन आपको दे दिया गया है जो कि मतलब लोअर ट्रिम में आता है स्कॉर्पियो एन की, वो वाला 130 BHP 300 Nm वाला इंजन जो है 6-speed गियरबॉक्स के साथ में आपको दिया गया है। उसके अलावा यहाँ पे व्हील्स जो है वो बदल दिए गए हैं, थोड़ी सी ये नई क्लैडिंग जो है वो आपको दिख पा रही है। उसके अलावा इधर अगर आप देखेंगे तो आपको जो है फ्रंट में बदलाव मिलेंगे, आपको आईब्रो वाली लाइट जो है वो बरकरार रखी गई है, हेलोजन लैंप और ये हेडलैम्प वगैरह सब बरकरार रखे गए हैं। थोड़ा सा ग्रिल में बदलाव है, ट्विन पीक्स लोगो जो है वो यहाँ नया आ गया है, स्कूप जो है आपका बरकरार है, अंदर की तरफ भी चेंजेस हैं, अंदर की तरफ ट्विन पीक्स वाले लोगो जो है वो यहाँ पे आ गए हैं। बाकी मोटा मोटी चीज़ें आपको सिमिलर लग सकती है, बट ओवरऑल जैसे देखो सीट की अपहोल्स्ट्री में फ़र्क है, नया गेयरबॉक्स यहाँ दिया गया है, ये टच स्क्रीन जो है वो बदल दिया गया है जो कि मेरी फेवरेट नहीं है, एंड्रॉइड बेस्ड टच स्क्रीन दे दी गई है। पहले वाली अच्छी थी, एंड्रॉइड और एप्पल का पे सब आते थे उसमें, इसमें नहीं आते। मिररिंग जरूर यहाँ दिया जाता है, बट गाड़ी में जो है ओवरऑल रगेडनेस सब चीज़ें बरकरार है। स्कॉर्पियो क्लासिक लिख दिया गया है, थोड़ी सी टेल लैम्प कुछ इस तरीके की दी गई है, और जो लोगों को चाहिए ऐसे बैठने वाली सीट फ्रंट मतलब फेसिंग सीट, क्या कौन सा फेसिंग सीट इसको बोलते हैं, फ्रंट फेसिंग तो नहीं बोलते हैं, साइड फेसिंग बोलते हैं, वो सीट जो है वो भी बरकरार है। इनफैक्ट आपको 7-7 के अलावा ये 9 सीट्स ऑप्शन जो है वो भी मिलता है। और एक और चीज़, कैप्टन सीट जो है वो भी आपकी बरकरार है यहाँ पे।